जब बात गणेशोत्सव की हो तो लालबाग के राजा को कैसे कोई भुला सकता है, क्योंकि लालबाग के राजा मन्नत के देवता कहे जाते हैं और यही कारण है कि कई घंटे कतार में लगकर भक्त जो है वो अपना शीश नवाने के लिए लालबाग के दरबार में अपनी हाजिरी दर्ज कराते हैं। वैसे तो हर साल लालबाग के राजा के पंडाल में तैनात पुलिसकर्मियों और मंडल कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की खबरें आम सी हैं, लेकिन इस बार ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मियों से किस तरीके से बर्बरता की गई इसका जीता जागता नजारा आपके सामने है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो की पुष्टि इन 24 न्यूज नहीं करता, लेकिन जिस तरीके से ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और जिस तरीके से इस वीडियो में एक शख्स ऑन ड्यूटी महिला पुलिसकर्मी से बदसलूकी कर रहा है, इसको साफ तौर पर सुना जा सकता है, जिसे दुर्भाग्यपूर्ण कहा जा सकता है और इसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। कार्यकर्ता को जरा गौर से देखिए जो मौके पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से तैनात मुंबई पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों से अमानवीय तरीके से पेश आ रहा है। वैसे ये शख्स लालबाग के राजा के मंडल का कार्यकर्ता है भी या नहीं, इसकी भी आधिकारिक पुष्टि हमारे पास नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसने एक बार फिर मंडल की कार्यशैली पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। तो गेट बंद करून टाका मॅडम। काल पण दोन वेळा झालं मॅडम, पण आम्ही दोन वेळा झालं, काल दोन वेळा झालं, दोन वेळा झालं। मॅडम या ना इकडून, ते बांधणं चालू आहे, तू बस ते कर, हे बघा हाय ते। इस वीडियो को दिखाने का हमारा मकसद सिर्फ इतना था कि पुलिस के ऊपर समाज के सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, यदि पुलिस के साथ इस अमानवीय तरीके से व्यवहार किया गया तो न सिर्फ उनका मनोबल गिरता है बल्कि उस मंडल का भी नाम खराब होता है लगातार, जिसका नाम सुर्खियों में छाया जा रहा है। लालबाग के राजा की हम बात कर रहे हैं, वहां के अगर मंडल कार्यकर्ता इस तरीके की गतिविधियां में लिप्त पाए जाते हैं तो इससे साफ तौर पर मंडल की छवि भी खराब होती है और पुलिस का मनोबल जिसे बढ़ाने की आपकी और हमारी, हम सब की जिम्मेदारी है, उस पर भी कहीं ना कहीं से बट्टा लगने का काम होता है।